Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul and I can't stop thinking of you. हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ स्वच्छ भारत अभियान डिस्कस करने वाला हूं। इसमें हम लोग 200 वर्ड्स के अंदर इस पूरे ऐसे को खत्म करेंगे और साथ ही साथ इसमें इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड के साथ एक्शन और इसका कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है क्या। स्वच्छ भारत अभियान, जिसे कि क्लीन इंडिया मिशन भी कहा जाता है, ये कैंपेन है जिसका एम है टू क्लीन अप स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीज, स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज। जितने भी शहर हैं उनकी गंदगी को सफाई करना, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे रोड है, या कोई भी गवर्नमेंट का या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको सफाई करना। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज इंक्लूड एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसहोल्ड ओन एंड कम्युनिटी ओन टॉयलेट्स एंड एस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबल मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरिंग टॉयलेट यूज। इसका मेन जो मोटो है वो ओपन डेफिकेशन को खत्म करना भी है, खुले में जिसे शौच कहते हैं वो खत्म करना। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी, विद्या बालन, सो मेनी पीपल आर इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, उसके अलावा हाउसहोल्ड और कम्युनिटी ओन्ड टॉयलेट्स बनाना, यानी घरों के बाहर और स्कूल जैसे हैं या कॉलेजेस हैं जहां पे नहीं है, छोटे छोटे स्कूल गांव में होते हैं उन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बैकग्राउंड की। ठीक है, रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मिशन एम्स टू अचीव एन ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय अक्टूबर ऑफ सेकेंड 2019। गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है 2 अक्टूबर 2019 तक। 150th एनिवर्सरी है महात्मा गांधी के बर्थ की। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्टिंग 12 मिलियन का टारगेट है टॉयलेट बनाने का, और इसका जो प्रोजेक्ट का पैसा कितना लगा है 1.96 लाख करोड़ इसका प्रोजेक्ट का पैसा है। इसके अलावा इस मिशन में दो सबमिशन है, वो कौन कौन से हैं ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है। पहला मिशन जो है वो है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण या रूरल, यानी कि जो गांव देहात के एरिया हैं उनको स्वच्छ भारत में लेके आना, स्वच्छ बनाना, उनमें ओपन डेफिकेशन फ्री करना। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी आपको मेंशन करना है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये गांव के लिए सर्विलेंस का काम करेगा और आगे प्रोग्रेस का काम करेगा। और जो सेकेंड सबमिशन है वो है स्वच्छ भारत अभियान अर्बन, इसको कौन ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करेगा द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये आराम से आप याद रख सकते हैं, हाउसिंग अर्बन, अर्बन से रिलेटेड तो अर्बन अफेयर्स, और गांव में क्योंकि पानी का दिक्कत होता है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि द प्रोग्राम हैज ऑल्सो रिसीव्ड फंड्स एंड सपोर्ट। एक तो टेक्निकल सपोर्ट भी मिला है और फंड भी मिला है वर्ल्ड बैंक से, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, और इनको आप इंक्लूड करना मत भूलिएगा, ये आपके बहुत इंप्रेसिव कर देंगे आपके ऐसे को। अब बात कर लेते हैं कि एक्शन क्या, स्टेप्स क्या, प्रोग्रेस हुआ है अभी तक, इसको भी जरूर मेंशन कीजिए। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आए तो एक्शन जरूर बताना है कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या स्टेप्स लिए गए। ठीक है, तो एज ऑफ 27 अक्टूबर 2016 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वर ODF, 56 डिस्ट्रिक्ट 2016 27 अक्टूबर तक हो चुके थे। अक्टूबर का मंथ इसलिए लिया है क्योंकि इसी मंथ का ही टारगेट है, और जनवरी 2017 में इंदौर भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि क्या परसेंटेज इंक्रीज है सैनिटेशन का। तो जो सैनिटेशन कवरेज है वो 2014 में 42% था, जो कि अब 2017 में 65% तक पहुंच चुका है। इसमें 5 स्टेट्स और 149 डिस्ट्रिक्ट जो हैं और 2.08 लाख विलेजेस जो हैं वो क्या हो चुके हैं, ODF हो चुके हैं, यानी कि डिक्लेयर कर चुके हैं। अब देख लेते हैं इसका कंक्लूजन को आपको ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आप काट छाट सकते हैं, इसमें मैंने काफी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं तो आप कुछ पॉइंट्स को छोड़ भी सकते हैं। बहुत मॉडरेट इंक्रीज हुआ है लैट्रिन का, टॉयलेट्स का बहुत मॉडरेट इंक्रीज हुआ है जब एक एमपी के अंदर गांव कुछ के विलेजेस का सर्वे किया गया। ओके, और दीज फाइंडिंग्स हाईलाइट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद अचीविंग लार्ज इनफ इम्प्रूवमेंट इन एक्सेस टू सैनिटेशन। अब इससे ये पता चलता है कि टॉयलेट्स को बनाने के लिए और लोगों को ओपन डेफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स है, हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको बताने के लिए अभी गवर्नमेंट को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अब दिक्कत
कहाँ से क्या हो सकती है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। पहले उनको हेल्थ बेनिफिट्स का बताना पड़ेगा कि ओपन डेफिकेशन से क्या हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं विद लार्ज स्केल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम्स। उसके लिए बहुत बड़े स्केल पे सैनिटेशन प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ओपन डेफिकेशन हैबिट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज दैट हैज टू बी डील विद एंड कैन बी डन अवे विद द अवेयरनेस एंड कनेक्शन विद द पीपल। लोगों के अंदर अवेयरनेस और उनके साथ कनेक्शन बनाने से ही लोगों की जो हैबिट है, क्योंकि ये इश्यू सिर्फ टॉयलेट की नहीं है, ये हैबिट की भी है, तो हैबिट को भी सुधारना जरूरी है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया कि अवेयरनेस को फैलाया जाए। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे aashish singh 3023 पे मेल करके पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे t.me/ldfamily के नाम से। ये ग्रुप है, ओपन ग्रुप, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, अपने ऐसे लेटर को भेज सकता है, ठीक है, चेक करने के लिए, और एक दूसरे को आप मदद भी कर सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, एक दूसरे को चेक करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। इसमें मैं भी सर्वेलेंस करता रहूंगा। फिर है नेक्स्ट, ये LTE आशीष, ये एक चैनल है जिसमें मैं इसके अंदर PDF वीडियो इन्फॉर्मेशन और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं किसी भी एग्जाम से या मेनली SSC और इंग्लिश से रिलेटेड, वो मैं इसमें करता हूँ, आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएगा, तो इसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।